कि आज इस कुर्सी में एक ऐसा नौजवान खड़ा है जो आंदोलन के तप से बाहर निकला है, यहां के हर एक दुख दर्द के बारे में मालूम है, नौकरी पैसा कैसे देना है। अभी तो हम खतियान, आप लोग सोच रहे होंगे खतियानी जोहार यात्रा का मतलब क्या हो गया, ये क्या, इसका मतलब समझ में नहीं आया। हम आपको बताते हैं वो इसलिए है, कुछ लोगों का यहां कहना है जो हमारे विपक्ष के षड्यंत्रकारी लोगों का, ये लोग बोलता है जो खतियान की बात करेगा, जो 1932 का बात करेगा वो जल जाएगा, राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम वही देखना चाहते हैं कि यहां का लोग 1932 का खतियान को मानता है या फिर हमारा साथ छोड़ता है। लेकिन अब गुजरात महाराष्ट्र का लोग चला के देख लिया 20 साल, वो राज तो आगे बढ़ गया, यहां का संसाधनों से, यहां का कोयला लोहा अभ्रक से गुजरात जगजगा गया, मुंबई जगजगा गया, दिल्ली जगजगा गया, लेकिन ये राज अंधकार में चला गया। अब जो 1932 का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, इसलिए हमने ये खतियान यात्रा में। अब बाहर का लोग इस राज को नहीं चलाएगा, झारखंडी लोग चलाएगा, यहां का मूलवासी, यहां का आदिवासी चलाएगा। बहुत दिन हो गया, 35 साल अलग, एक पीढ़ी बूढ़ा हो गया। देखिए यहां पर बूढ़ा बुजुर्ग लोग बैठा, 20 साल अलग राज के बाद सरकार से उन लोगों को बेदखल करना पड़ा। अब बहुत जल्द 2024 में फिर हमें राजनीतिक चुनौती मिलने वाली है, और उसके लिए ये लोग राजनीतिक मैदान में जब नहीं सक रहा है तो एजेंसियों को पीछे दौड़ा करके हमें परेशान करने का कोशिश कर रहा है। चिंता मत कीजिए, हम लोग उससे घबराते उबड़ाते नहीं है, हम लोग व्यापारियों का जनप्रतिनिधि नहीं है, हम व्यापारियों का जनप्रतिनिधि नहीं है जो उन लोग जिस तरीके से प्रतिनिधि बना हुआ है, हम लोग पैसा वाला लोग का नेता नहीं है, हम लोग आदिवासी दलित पिछड़ा नंगा भूखा लोगों का जनप्रतिनिधि है। ये लोग व्यापारियों की जमातों का समूह है, ये लोग देता नहीं है, ये लोग ले लेता है, ये लोग बांटने वाला लोग नहीं है। आज तो हम समीक्षा कर रहे थे, आज आपके इस जिले में 24,000 करोड़ रुपया है बैंकों में, इस जिला में 24,000 करोड़ रुपया, मालूम है? आप लोग लिखिएगा, अभी तो लिखने में आपको समय लगेगा कितना रुपया होगा, और वो पैसा यहां के ना चाईबासा में ना झारखंड में खर्चा हो रहा है। उसका जो कानूनी व्यवस्था है वो बड़े बड़े व्यापारियों के लिए वो पैसा जा रहा है, और ये 24,000 करोड़ रुपए कहां से आया? ये बगल में जो लोहा का खदान है, कोयला का खदान है, अभ्रक का खदान है, दुनिया भर का खदान सब खोल करके रखा है, उसी का पैसा जमा है, और हम लोग यहां का पैसा से गुजरात महाराष्ट्र मुंबई के लोगों का घर का रोशनी जला रहे हैं, और हम आज अंधकार में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।